व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं राहुल गांधी की चमची नरेंद्र मोदी का करवा रही थी विदाई, फिर मनवा दिया। ओ भैया, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है तो वीडियो तो होगी, क्या कहते हैं वो, खतरनाक, रोष से भरपूर भी। भैया देखते पूरी वीडियो, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। भाजपा की विदाई 4 जून को तय हो गई। Okay. 1 जून को मेहंदी है, 2 जून को हल्दी, 3 जून को विवाह और 4 जून को और 5 की रात को चमचियों का सुहागा होगा। ये नहीं बता रही है सविता भाभी, लगता है ये जानकारी है 6 तारीख को वीडियो बना कर देंगे। इंतजार रहेगा सविता भाभी, और थोड़ा डिटेल में बताना, अच्छा लगेगा। कन्हैया आप पीटने वाला है, कन्हैया आप पीटेगा, पता नहीं बार कॉल कर रहा है। देश विरोधी नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार, आजाद देश में आजादी मांगने वाला कन्हैया कुमार, हमारी सेनाओं को गाली देने वाला कन्हैया कुमार को आजादी मिल गई। दिल्ली के 2 बंदों ने केजरीवाल स्टाइल में, जैसे केजरीवाल को थप्पड़ से स्वागत किया था, ऐसे इसको भी आजादी दे दी है। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा, दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। चौथे गुस्से पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मानपुर पे रैली थी भाई, और वहाँ बोल के मुंह पे साई फेंक कर मुंह पे चाटा देके जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। इस विधायक पर दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करिएगा। वैसे इस लायक ये नहीं था, एक थप्पड़ लायक नहीं था, 20 तो कम से कम पड़ने चाहिए। यह दिल्ली महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष स्वाति मालवाल, इनको केजरी मियां के खास विभाव कुमार ने पकड़ कर कूट दिया। इस न्यूज आप सबको मिल गई होगी, 3-4 दिन की बात है। विभाव कुमार को अरेस्ट भी कर लिया है पुलिस ने, लेकिन इस पर केजरी मियां के चमचे चमचियां और खुद केजरीवाल अपने आदत से तो बाज आने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं, स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है। ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ है, और अब जो ये शर्म नहीं आ रही पूरे देश के सामने, एक ही पार्टी के अलग अलग कह रहे हैं। संजय सिंह का आत्मा जेल से बाहर आने के बाद थोड़ा सा जगा है, लेकिन केजरीवाल की खास चमची, इसका आत्मा भी नहीं जगा है। ये तो सुधारने के लिए अभी तैयार ही नहीं है, जब तक इसके साथ कुछ ऐसा ना हो। देखो, मियां जी का तो सीधा कहना होता है, या फिर मेरे साथ जेल चलो, और जो जेल नहीं जाएगा वो कूटा जाएगा। अरे जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आप क्यों जी, आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज निकाल लिए। सरकार महोदय, जब अखिलेश भैया सामने हों तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि महिला सम्मान, महिला अधिकार, महिला सुरक्षा की बातें नहीं करनी चाहिए। लड़के हैं, गलती हो जाया करती है, ये उनके बेटे हैं जो ऐसा बोलते थे। मियां जी, तुमने माइक खिसका दिया अखिलेश की तरफ और तुम कांप भी रहे हो, आखिर मामला क्या है, तुम्हारा भी हाथ था क्या, या फिर कुछ सूत्र बता रहे हैं कि स्वाति ने आपको 4-5 थप्पड़ जड़े थे पहले जेल से आने के बाद। रोजगार तुम्हें शक्ति देगा, ठीक है, रोजगार तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने का सम्मान देगा, तो पता ही नहीं था, और 5 किलो राशन क्या देगा बताओ, क्या देगा, जब वो 5 किलो राशन खत्म होगा फिर से तुमको किसके पास जाना पड़ेगा, जब वो 8,500 खत्म होंगे फिर से मांगना पड़ेगा सरकार से, वो किससे भीख मांगेगा, फिर से सरकार तुम्हें निर्भर बनाएगी। अच्छा, और वो युवा किस पर निर्भर, 5 किलो राशन पर निर्भर बनाने का प्लान। देखो जी, आप लोग फालतू में ही पिंकी को पप्पू की बहन पप्पी बोलते हो, इन्होंने कितनी सुंदर बात की है, देश वाली बात की है, देश को जगाने की बात की है, अपने स्टैंड क्लियर किया है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर किया है, आपस में ये लोग बोल रहे हैं नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी।
अरे तुम किस मिट्टी के बने हो? अगर कोई बंदा दो मिनट तुम्हारी तारीफ करना चाहे, तुम्हारी तुमको अच्छा बोलना चाहे, तो अगले ही पल तुम गुड़ गोबर कर देते हो। सद्बुद्धि दे भगवान तुम्हें। सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के नेता एक्सरे मशीन लाके आपके घरों में आके आपके गहने चुराएंगे। अगर आपके दो घर हैं तो एक चुरा लेंगे, अगर आपकी दो गाड़ियां हैं तो एक ले जाएंगे, आपकी दो भैंसे हैं तो एक भैंस चुरा लेंगे। तो मैं तो कहती हूँ मैं आ गई हूँ, मैं कांग्रेस की नेता हूँ, आ गई हूँ आज डलमऊ, संभाल लेना अपनी भैंसे। पिंकी ने कांग्रेस का असली चेहरा दिखाया, इस पर पिंकी की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि पिंकी और पप्पू एंड कंपनी का कोई भरोसा नहीं। ये अगले ही पल गुड़ गोबर कर देते हैं, तो इनका तारीफ तो नहीं बनता। हाँ, एक बात का डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, ये जहां भी ऐसे चमचे आए प्रचार करने, चुनाव प्रचार करने, आप रैली में जाने के बजाय अपने भैंस को देखभाल करना, क्योंकि आजकल इनकी ऐसी हालत है कि कुछ ना मिले तो ये भैंस तो खोली ले जाए। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ठीक है, ये ठीक है, राहुल आपको निराश नहीं कर। लगता है माते इटली जाने की पूरी तैयारी में है बेटों को सौंप कर। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा माते का, माते भी फुल कॉन्फिडेंस है कि उनका लड़का निराश नहीं करेगा रायबरेली और देश वालों को एंटरटेनमेंट में। यहाँ से वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? अरे सर जी, हम तो कांग्रेसी हैं बचपन से ही हैं। बचपन से? हाँ जी, हम तो सपोर्ट भी करते हैं। और सपोर्ट करते हैं जी, वोट दे रहे हैं कांग्रेस को? सर ये वोट वाली बात, अभी वोट वाले ने वोट वाले में खड़ा हूँ। क्या पता कांग्रेस को ही देना चाहता हूँ, लेकिन पहले से कांग्रेसी हूँ, दादा बाप सब कुछ कांग्रेसी हूँ, लेकिन वोट का नहीं बताओ। लेकिन वोट तो और तो विकास के नाम पे पड़ेगा ना भाई, पार्टी के नाम पर, बिजनेस के नाम पर तो नहीं दे सकते। चमचे समझदार हो गए। भाई और बहनों, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आदिवासी हो, आपका काम सड़कों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घूमने का है, ये आपका काम है, आपका इस देश में और कोई काम नहीं। पीछे पकड़ कर खड़ा पोस्टर बॉय भी सोच रहा होगा कहाँ फंस गए आज पप्पू के चक्कर में। भाई 500 दिया गया था पोस्टर दिखाने के लिए, भाई बेइज्जती वाली तो कोई बात ही नहीं हुई थी, उसका तो कोई पेमेंट ही नहीं मिला। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने, क्या रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहाँ पे शराब पिए सड़क पे लेते हुए बाजा बज रहा है, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, अयोध्या नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा। राहुल गांधी कभी नहीं दिखेंगे, वो दिख गए तो अपने नाराज हो जाएंगे ना। आप रात में कहां निकल दिए थे भाई कि आपने शराबियों का डांस देख लिया? पार्टी की व्यवस्था की है, खुद से है, ये जरा दिखा दो थोड़ा सा तस्वीर अंदर से, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है तमाम सारे लोग, हाँ यही दिखा रहे हैं, नेता लोग हैं जो ये पार्टी, हम तो आपको देख के चले, देखो टोपी उतार दिए, फिर यहाँ पार्टी है। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ? दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सपा के लोग देखने आए हैं आप, वो ठेके के, तो आप ठेके के बाहर क्या कर रहे हो? यही देख रहे हैं कि कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। तो पत्रकार लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? यही देखने आए कि ठेके के बाहर कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। तो यही हम भी बता रहे हैं ना, एक क्वार्टर लो, क्वार्टर की व्यवस्था है फ्री ना, हम यही पूछ रहे हैं पत्रकार लोग यहाँ क्या करने आए हैं? यही देखने के लिए आए कि कार्यकर्ताओं की भीड़ ठेके के अंदर लगी है। अच्छा, वो पत्रकार की भीड़ ठेके के अंदर लगी यार, पत्रकार लोगों को तो वहाँ चाहिए ना, वहाँ निपटाना चाहिए भाई, जहाँ पे कार्यकर्ता दिखेंगे वहीं पे तो हम जाएंगे। पप्पू इन युवाओं की बातें कर रहा था, इन कार्यकर्ताओं की बातें कर रहा था, लेकिन पत्रकार महोदय मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसी जगहों पे मत जाया करो, सबको पता है कि बेचारों को 5 साल में एक ही बार तो मौका मिलता है 500 रुपये कमाने का और पीने का, बाकी तो 5 साल इनको बुलडोजर और लट के खौफ में ही रह रही है। क्या करती हैं? मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 15 दिनों का पैसा बचा था, 15 दिनों का पैसा, ऐसी सिचुएशन आ जाए अब कोई नहीं संभाल सकता। कंडीशन तक लेकर
कौन उस कंडीशन तक लेके आया था? क्यों हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी? क्यों अंग्रेज अर्थव्यवस्था आपसे आगे थी, आपको पता है? इससे पहले जो जो अंग्रेजों ने हमारा बुरा हाल किया उसके नहीं था बुरा किया, बिल्कुल किया। अर्थव्यवस्था में हमसे आगे क्यों जा रहे थे, हम क्यों लगातार पीछे जाते, हमको 1991 में क्यों इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ा, हम उसी व्यवस्थाओं में क्यों नहीं रह गए जो वहाँ पे चल रही थी? तो उसको हैंडल भी तो किया गया ना उसको, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री डॉक्टर, पर आइडिया किसने दिया उनको? आइडिया किसने दिया? नरसिम्हा राव को कोई योगदान? सर मैं उस टाइम थी नहीं जो मेरे को पढ़ाया गया, बस आवाज दे दीजिए मास्टर, आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट जी, कॉलेज में जो पढ़ाया गया था मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, अगर उसको थोड़ा भी पढ़ा होता तो पीछे खड़ी तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे जवाब पर हंस नहीं रही होती। तुमको तो इंटरनेट मिला है, ध्रुव पट्टी की वीडियो देखना, इसकी वीडियो देख के देखो और मजे लो, देश में तानाशाही है, ऐसा है वैसा है, बस ये तुम पचरा जो होता है बाहर निकाल देती हो फिर फंस जाती हो। अरे उससे मदरसा छाप भ्रमित हो जाए, कम थोड़ा पढ़े लिखे भ्रमित हो जाए, लेकिन मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस करने वाली बंदी भी भ्रमित हो जाए, ये तो गलत बात है, पढ़ाई लिखाई करो। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि कई जगह पर साइकिल तो इतनी स्पीड से चल रही है कि साली रेत से ही बाहर हो गई है। अब इसी को देख लो, ये रोड पर इतनी तेजी से चली कि सीधा खंभे पर जाके लटक गई। क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगी वीडियो, मस्त थी, मजेदार थी। और हमेशा से मैंने देखा कि जब तक आपके भाषण समझदार और जागरूक करने वाले नहीं होंगे ना, ऊट पटांग भाषण होंगे तो लोगों को वैसे में, क्योंकि और सबसे कंफ्यूजिंग भाषण तो इस कांग्रेस पार्टी ने अब की बार कैसे कैसे दिया है। एक कहता है कि राशन नहीं आपको रोजगार, तो एक कहता है 5 की जगह 10 किलो राशन। अरे भैया ये सरकार तुम्हारी भी थी, बीजेपी की भी है, राशन तो वो देगी, नेसेसिटी है, वो वांट्स नहीं है लोगों की, राशन जिनको मिल रहा है। बोला कि रोजगार आपको आत्मनिर्भर बनाए, तो जो महीने के 8,500 रुपए वो क्या बनाएगा? वो भी आत्मनिर्भर बना रहा ना, वो आत्मनिर्भर खत्म हो जाएगा, फिर जब वो 8,000 खत्म हो जाएंगे फिर किससे भीख मांगने जाएंगे? भाषण ऐसे लिखो कि बंदा सुने तो बोले कि ठीक है। यहाँ पर ऐसा होता है सुबह भाषण कुछ है, दूसरा तैयार रहता है, मैं अलग करूंगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं करूंगा, ठीक है, और अलग ही लेवल पे चलते हैं लोग, मेरी बात पे ज्यादा हंसेंगे किसकी बात पे। दूसरा एक और चीज, ध्रुव राठी की वीडियोस ना कंटेंट कम मुझे ऐसा लगता है, थ्रिलर मूवी ज्यादा बना के ऐसे लोग दोस्तों ये हो चुका है देश के अंदर, दोस्तों ये हो चुका है देश के अंदर, डिक्टेटरशिप आ गई, आगे तानाशाही आ जाएगी। एक वीडियो उसके ऊपर भी तो निकाल दो ना, जो आम आदमी पार्टी के अंदर वो हुआ है, जो गुंडागर्दी जो हुई है, अगर उसके साथ असॉल्ट हुआ है उसके ऊपर भी निकाल दो ना फिर यार। वो नहीं बोले क्योंकि उसने केरला स्टोरी के अगेंस्ट वीडियो बना दी थी, कश्मीर फाइल्स के ऊपर भी बोल, मतलब मैं चाहता हूँ अगर पारदर्शिता रखनी तो हर एक तरीके से रखो ना, वो नेगेटिव अगर आप इसी तरीके बना रहे हो तो एक वीडियो ये भी डिजर्व करते हैं यूट्यूब पे लोग कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस, दोनों के पॉजिटिव भी बताओ दोनों के नेगेटिव भी बताओ। लेकिन पर्टिकुलर एक इसको फिर तो वो हो जाता है कि आप इनडायरेक्टली बिल्कुल एक पार्टी, बस ये कि उसको नहीं देना वोट, चाहे मेरी तरफ से भाई साहब बिना प्रधानमंत्री के देश चल जाए लेकिन इसको नहीं देना, ये थोड़ा जागो दोस्तों जागो। और सही बोला कि जो इनको समझना नहीं है ना कुछ, बस वो मोदी के अगेंस्ट है, उनको ये नहीं पता कि हम अगेंस्ट है लेकिन दूसरा बेटर क्या कर सकता है। रोजगार यार, रोजगार तो मैं कह दूं, मैं रोजगार दे दूंगा प्रधानमंत्री बनके, कौन मेरे को पूछने आ रहा है उस ऑफिस के अंदर? कौन पूछने आएगा उस ऑफिस के अंदर बता दो ना, क्योंकि आप एक समझो कि रोजगार भी लिमिटेड हो सकता है। बाकी इतना ज्ञान बहुत दे चुका हूं, अब तो इलेक्शन टाइम, मन तो आप लोग बनाए चुके जिसको वोट देना, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।